एपिसोड नंबर 71 की स्टार्टिंग होती है और सॉन्ग चू से कह रही होती है, चू मैं गार्डन में टहलने जाना चाहती हूँ। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ चू और सॉन्ग गार्डन में टहलने आए हुए होते हैं और सॉन्ग चू से कहती है, मॉम ने सूप सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था, मेरी तरफ से मॉम को धन्यवाद कहना। फिर चू कहता है, डार्लिंग बिल्कुल नहीं, तुम उनकी बेटी हो, आखिरकार हम एक परिवार है। फिर सॉन्ग कहती है, फिर भी आपको उनसे कहना होगा, और सूप बनाना कोई आसान काम नहीं है। फिर चू कहता है, डार्लिंग तुम सच में बहुत प्यारी हो और मैं उन्हें कह दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और सॉन्ग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है और सोफे पर बैठकर मन में कह रही होती है, मेरे साथ दुर्घटना घटने के कारण मेरा असेसमेंट छूट गया, अरे अब छोड़ो भी, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ चू अपने रूम में बुक पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ सॉन्ग आके चू से कहती है, चू दोपहर हो चुकी है तो आप क्या खाना चाहोगे, आप जो कहोगे वो मैं बना दूंगी। फिर चू सॉन्ग का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। फिर सॉन्ग ब्लश करते हुए कहती है, शरारत मत करो, तुम हमेशा ऐसी ही बातें क्यों करते रहते हो, और मैं सीरियस हूँ, बताओ मुझे। फिर चू सॉन्ग को अपने पास खींचते हुए उससे कहता है, मैं हूँ, आपको पता है कि मेरा मतलब क्या है, और आप हमेशा इसका सामना करने से इनकार कर देती है। फिर सॉन्ग खुद को छुड़वाते हुए कहती है, ये सब मत करो। फिर चू सॉन्ग को गले लगाते हुए कहता है, डार्लिंग क्या तुम मुझे बिना जवाब दिए जाना चाहती हो, और डार्लिंग क्या तुम डर रही हो या शर्मा रही हो। और तभी चू सॉन्ग की नेक पर बाइट करने लगता है और सॉन्ग कह रही होती है, चू रुक जाओ, ऐसा मत करो। फिर चू रुक कर कहता है, हाँ ठीक है, और आपकी ऐसी कंडीशन है तो मैं रुक जाता हूँ, और वैसे डार्लिंग क्या तुम्हें याद है कि उस दिन कोल्ड रूम में क्या हुआ था। फिर सॉन्ग कहती है, मेरा पूरा ध्यान डेजर्ट बनाने में था और मुझे कुछ याद नहीं है। और फिर वो मन में कहती है, और वैसे भी अब मेरा डेजर्ट बनाने से कोई लेना देना नहीं है। फिर चू कहता है, क्या जब वहाँ आप किचन में काम कर रही थी तो वहाँ क्या कोई आया था। फिर सॉन्ग कहती है, नहीं वहाँ कोई नहीं आया, मैं वहाँ पर अकेली थी, ये मुझे अच्छे से याद है, और सारे कलीग्स घर चले गए थे। और चू आपका मतलब क्या है कि ये किसी ने मेरे साथ जानबूझकर किया है। फिर चू कहता है, हाँ ये हो सकता है। फिर सॉन्ग कहती है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, जियांग और यान के जाने के बाद किचन में कोई नहीं आया। फिर चू कहता है, मुझे इसलिए शक है कि सिर्फ किचन की ही लाइट क्यों कट हुई, और डार्लिंग तुम्हारा और तुम्हारे कलीग्स के बीच तो कुछ नहीं हुआ ना। फिर सॉन्ग कहती है, नहीं चू तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और मैं अभी ठीक हूँ, और मैं अब वहाँ डेजर्ट नहीं बना सकती, तो अब ये जानना जरूरी नहीं है कि ये किसने किया है। फिर चू कहता है, किसने कहा कि तुम अब डेजर्ट नहीं बना सकती, और हाँ मैं आपको बताना भूल गया कि आप इस महीने की 20 तारीख को असेसमेंट में भाग लोगे, तो आप कड़ी मेहनत करें और अपना बेस्ट दें। फिर सॉन्ग कहती है, चू आपने क्या कहा। फिर चू कहता है, मैंने कहा कि इस महीने की 20 तारीख को आपका असेसमेंट होगा, तो आपको इसके लिए तैयारी करनी होगी। फिर सॉन्ग कहती है, असेसमेंट को फिर से स्थगित कर दिया गया। फिर चू कहता है, आपको क्या लगता है आपके साथ ऐसी दुर्घटना घटने के बाद भी क्या रेस्टोरेंट सुरक्षित है, और ये देखते हुए कि लगभग आपने अपनी जान गंवा चुकी थी, और मैं उन्हें आसानी से माफ नहीं कर सकता, और इसके लिए उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर रेस्टोरेंट और सैन्यू ने असेसमेंट को स्थगित नहीं किया तो। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।